Uh, next question question says a potentiometer uh, wire pq of 1 meter length is connected to a standard uh, cell e another cell uh, of uh, to a standard cell e1 another cell e2 of emf uh, 1.2 volt is connected uh, with the resistance r and switch as shown in the figure uh, with the switch s open द नल पोजिशन इज ऑप्टेंड एट डिस्टेंस ऑफ फोर्टी नाइन सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू हमें बताना है पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर मीटर का क्या होगा ना पोटेंशियोमीटर मीटर का बहुत ही सिंपल सवाल है स्नैरियो uh, यह है कि ये आपका पोटेंशियोमीटर मीटर का कनेक्शन ऐसे बना रखा है कि ये अरे ये आपका आ, इस प्रकार कनेक्ट कर रखा है और ये आपका लेट्स से ये आपकी ई वन बैटरी है या आपकी ई टू बैटरी है ये, बैटरी है, आ, ये आपका रेजिस्टेंस आर है और ये स्विच ऐसे स्विच आपने इसको कनेक्ट किया है लेट से ये आपकी वायर ए बी वायर है पोटेंशियोमीटर मीटर की वायर नाउ इस केस में हमें जो दिया हुआ है आ, स्विच ओपन है तो नल पोजिशन आपकी आई फोर्टी नाइन सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू अच्छा ये पी क्यू दिए हुए हैं साइड सो ये पी है और ये साइड क्यू है ठीक है सो तो आपका पोटेंशियोमीटर वहाँ पे आया है तो यहाँ से अगर ये लेंथ एक्स की बात करेंगे तो एक्स हो गया आपका टोटल वन मीटर की वायर है तो हंड्रेड माइनस फोर्टी नाइन यानी कि फिफ्टी वन सेंटीमीटर पर आपका नल पॉइंट आ रहा है ना अब ये बात अपने को पता है कि जो आपका ई एम एफ ई टू होएगा ए uh, टू उसको हम लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपकी लेंथ आएगी एक्स विच एम्प्लाइज आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट वो होगा ई टू डिवाइडेड बाय एक्स ए टू की वैल्यू अपने को दे रखी है वन पॉइंट जीरो टू डिवाइडेड बाय जो आपकी लेंथ आई दैट इज़ फिफ्टी वन सेंटीमीटर आज ये ध्यान रखना है सेंटीमीटर में इसको जब हम डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू वोल्ट पर सेंटीमीटर क्योंकि अपने को जो चार ऑप्शन है वोल्ट पर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं इसलिए 51 को हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया सो दिस इज़ आर पोटेंशियल ग्रेडियंट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर वन जीरो वोल्ट पर सेंटीमीटर वुड बी द राइट आंसर है